गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, थोड़ा सा मैं उसको आपको रिकैप कर दूं, ठीक है। एक तो उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर से के बाद में टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट है, तब तो से आपका क्या कहते हैं इसको, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके मुताबिक आस्क हो सकता है, टेल हो सकता है, सब हो सकता है ना। लेकिन अगर वो नहीं है तो से का सही रहेगा, लेकिन अगर वो सवाल है तो आस्क हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी। एक उदाहरण के तौर पे, एक सेकंड, ही सेज इंडिया विल इमर्ज एज ए रीजनल पावर। अभी चूंकि इंडिया विल इमर्ज एज ए रीजनल पावर, मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस भी करा दिए हैं, देखते ही पहचान जाया करो ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। अब ये से का आज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो से का सही रहेगा और टेल भी नहीं होगा क्योंकि से के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। सी के बाद ही सीधा ऑब्जेक्ट नहीं आता है, से के बाद में प्रीपोजिशन टू आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और इसका टेंस चेंज होगा नहीं क्योंकि जो रिपोर्ट स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच है, वो आपका प्रेजेंट में है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ही सेज कंजक्शन दैट लगेगा, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस असर्टिव है तो कंजक्शन आपका दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, टेंस चेंज होगा नहीं। दैट इंडिया विल इमर्ज, बाकी सेम, कोई चेंज करने वाला वर्ड कोई है नहीं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है, ही सेज व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, तो इसमें आज तो आपको करना पड़ता, ये आज व्हाट इज हैपनिंग, इसमें व्हाट आपका सब्जेक्ट भी है तो चिंता मत करना, ध्यान रखना आप, ठीक है, इसमें क्योंकि और कोई इसमें सब्जेक्ट है नहीं, हैपनिंग तो आपका कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो ये आज हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेज है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। ये अगर फ्यूचर में हो तब भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये होता ना, ही विल से, ही विल से, ठीक है, एवरीबडी इज डूइंग फाइन, सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे रहता है, ही विल से दैट, इसमें से का टेल नहीं होगा। Everybody is doing fine, assertive sentence से, he will say, same रहेगा, conjunction that लगाना पड़ेगा, that everybody is doing fine, ठीक है ना, he will say, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको type of sentence सब बता दिए हैं, तो उसका भी आपने ध्यान रखना। assertive sentence में conjunction that लगता है, फिर आपके interrogative sentence में दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो आपके जितने भी हैं, हैज का, हैव से, डू से, डज से, विल से, कैन से, मी से, मस्ट से, है ना, आपका इजहार एम से, वाज वर से, विल से, सेल से, तो उसमें कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें, ठीक है। ही सेज आर यू हैप्पी हियर, तो से का इसमें आस करना पड़ेगा, ये आस इफ, चूंकि इसमें किसको पूछा ये पता नहीं है, तो आप कोई मान के चलो, ठीक है ना, यू को यू रहने दो, ये आस इफ, ठीक है ना, आपका अगर आपको कहा जा रहा है तो उसमें यू की जगह आई कर दो और यू का यू रहने दो, क्योंकि आपको पता है नहीं। अगर इसमें ये लिख देता हूँ मैं, ही सेज टू मी, या ऐसे कर दो, ही सेज टू मी, अब तो कंटेक्स्ट क्लियर है कि वो मुझे पूछ रहा है, तो यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ही आस मी, और कंजक्शन इफ लगाना पड़ेगा। कंजक्शन इफ क्यों लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट स्पीच में वो आपका हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, ये आस्क में इफ, टेंस चेंज होगा नहीं, इफ आई एम हैप्पी, और हेयर का हो जाएगा देयर, ये भी आपने समझ रहे हैं। कुछ शब्द हैं जो आपके चेंज हो जाते हैं, वो क्या क्या चेंज होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आज टेंस चेंजेस भी सीखेंगे, बहुत सिंपल होते हैं ये, और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, कम से कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चंस
20-22-25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं 5-6-6-5 मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब दो तीन चीज़ें इसमें आज करेंगे। एक तो जो कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं जब आप नरेशन चेंज करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इवन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी, तो उल्टे चेंज होंगे, फिर ध्यान रखना, ठीक है। कई चेंज होंगे, कई चेंज नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तो चेंज हो गया, ठीक है। तो ऊपर मैं एक हेडिंग लगाता हूँ फ्रॉम टू, ठीक है ना आपका। तो फ्रॉम का अर्थ हो गया, और ये कौन से वर्ड्स होंगे बच्चों? ये वर्ड्स वो होंगे जो आपके आपका रिपोर्टिंग स्पीच में आएंगे, ठीक है। देखो ऊपर मैं लिख ही दिया, इसको भी लिख देता हूँ आप। तो हेयर चेंज हो जाता है देर में, देर में, ठीक है। और इसके पीछे कंसेप्ट है, अगर किसी ने कोई बात समझ करो दिल्ली में कहा था कम हेयर, अब जोधपुर में उसकी बात दोहरा रहे हो तो ये थोड़ी कहोगे कम हेयर, तो जो जोधपुर आ जाएगा, उसको जाना कहाँ था, गो देयर। इसलिए कम का भी गो हो जाता है, लेकिन गो का कम नहीं होता है, यह याद रखना आपको। नजदीकी चीज दूर हो जाती है, हेयर देयर, नजदीक के लिए दिस का प्रयोग होता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, है ना आपका। ये किसमें चेंज हो जाता है? दैट में। दिस किसमें चेंज होएगा? दोज में, है ना आपका। ये आपने ध्यान रखना है। नाउ का मतलब अब होता है, देन का मतलब तब, नाउ अभी हो गया, देन आपका तब हो गया, नाउ देन में चेंज हो जाता है, एगो बिफोर में चेंज हो जाता है। समझा रहा आपको। टू डेज अगो का अर्थ क्या हुआ? अगर आज 26 तारीख है तो मैं 24 तारीख की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बात अगर आप 5 साल बाद में कहोगे तो 26 तारीख कैसे आ जाएगी? 26 जून 2020 नहीं आएगी ना, इसलिए एगो की जगह आपका बिफोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 10 आता है तो वो 100 हो जाता है, ये सब आपने सीखना है, ठीक है। टुडे का आपका दैट डे हो जाता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। लॉजिक सेम है, अगर मैं अभी कह रहा हूं आई मेट हिम यस्टरडे, तो इसका मतलब मैं उसको 25 तारीख को मिला हूं जून को, लेकिन ये बात 5 साल बाद कहोगे तो 5 जून की बात, ये 25 जून की बात कहाँ से आएगी, ठीक है। टुमारो को हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे। ठीक है आपका, डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? इसका चेंज करना इन टू डेज, इन टू डेज, ये ध्यान रखना आप। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा आपको अलग से अभी, ठीक है ना। तो कुछ एक शब्द है जो आपने ध्यान रखने हैं कि ये चेंज होंगे। चलो मैं इसी का एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो, और टेंस चेंज में भी बता रहा हूँ आपको, हाँ टेंस चेंज किसका होगा ये भी आपको अभी देखना है, लेकिन इसका मैं एक दोनों उदाहरण दे दूँ, मैं भूल जाऊँगा, ठीक है। सपोज करो कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई विल मीट यू, आई विल I will meet you day after tomorrow. Day after tomorrow का अर्थ हो गया परसों। तो इसको आप चेंज करोगे तो कैसे कहोगे आप? तो बताओ, he tells me. अब से का tell क्यों किया आपने? क्योंकि से के बाद में प्रीपोजिशन बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा ना, इसलिए, ठीक है। पर नाउन मैंने आपको कहा था बहुत सिंपल है, लोगों ने सन भी बना रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना सिंपल है जिसकी हद नहीं है। आप ये ध्यान रखो कौन किसको बोल रहा है। अब आपको पता नहीं ये सेज मुझे कह रहा है आई विल, तो आई कौन है? ही है। वैसे सोचना क्या है यार, ही टेल्स मी, कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव है, और ठीक है ये चेंज टेंस चेंज होगा नहीं, विल का विल रहेगा, ही विल मीट मी। अब यहाँ लगना पड़ेगा इन टू डेज टाइम, इसमें टू डेज टाइम भी आप लगा सकते हो, टू डेज टाइम, ये हो गया डे आफ्टर टुमारो। और डेज को प्लूरल बनाने के बाद में फिर एपोस्ट्रोफी पे लगाना, यू नो, इन टू डेज टाइम मींस दो दिन में, डे आफ्टर टुमारो परसों हो गया ना, दो दिन का टाइम हो गया। आई होप कि लॉजिक समझ आया आप लोगों को। तो ये तो कुछ शब्द आपके चेंज करने हैं आपने। अब इसके अलावा टेंस कब चेंज होता है? बेसिक जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के रूल हैं यहाँ भी लागू होते हैं। जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो मेन क्लॉज बनता है
वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज में, उसका टेंस कभी चेंज होता नहीं है। समझा रहा आपको, टेंस चेंज तभी होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी, ध्यान रखना। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, ठीक है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज अंडर, आपका कब, वाइल ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस, हर जगह थोड़ी कर दोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे तभी करो, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना फॉर्म उनका, वाइल ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये चेंज तभी होगा कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में हो, तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करना है, अदरवाइज नहीं। इसमें मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम टू, बहुत सिंपल है ये भी, इसलिए मेरे को ये कैनवास बड़ा चाहिए था ना, इसलिए मैं अपना इसमें वीडियो नहीं डाला है, कोई बात नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, कब करोगे चेंज, ये जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तब ये चेंज होगा, ध्यान, क्या चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, ठीक है। तो पहला आप लिखो प्रेजेंट टेंस जाएगा पास्ट टेंस में, विल चेंज टू, चेंज टू, इसको ऐसे लिखिए, क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट टेंस। क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट टेंस का मतलब क्या मतलब होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में, ये भी लेना जो लिख दो, लिखने को कोई जरूरत नहीं है। क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट का अर्थ समझ के बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट में, लिखने जरूरत तो नहीं है इसमें, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट किसमें, इसको तो कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट, ये भी बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए हम सिंपल पास्ट में, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में, इसको कहते हैं क्रॉसबॉन्डिंग पास्ट, ठीक है ना आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ये तो नरेशन और भी सिंपल होते हैं, दो चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट के सारे हो गए, अब सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखना बच्चों। और ये सिंपल पास्ट में भी रह सकता है कुछ शब्दों के साथ में, तो इसी में रहता है, मैं आपको उदाहरण दूंगा बाद में आप, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप ध्यान से देखो तो पास्ट परफेक्ट में दो टेंस चेंज होते हैं, एक तो सिंपल पास्ट, इसका आपने ध्यान रखना है, और एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी दो टेंस चेंज हो रहे हैं, और से देखो आपका एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और दूसरा आपका पास्ट कंटिन्यूस, इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका पास्ट का आखिरी टेस्ट वो टेंस हो गया, इसके बाद तो पास का कोई टेंस बचा नहीं है, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में विल का आपका वुड हो जाएगा, विल का कर देंगे आप वुड, ठीक है ना, आप कैन का कर देंगे आप वुड, बल्कि विल और शैल दोनों वुड में जाएंगे, ठीक है। शैल का शुड भी हो सकता है आवश्यकता के मुताबिक, जब आप कोई एडवाइस दे रहे हो तब, ठीक है। कैन का कुड, मे का माइंड, और क्या बच गया, मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट का मस्ट भी रह सकता है और हैड टू भी हो सकता है, आना चाहिए मतलब आपको पता होना चाहिए, ये सब हो गए, ठीक है। एक एक करके इनके अपने एग्जांपल भी करते हैं और टाइप ऑफ सेंटेंसेस का भी आपने साथ में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो
तो ये चीज़ें आपने करनी है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उनको ध्यान से देखो आप। अब मैं जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो मैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में या पास्ट में किसी में रख सकता हूँ, ठीक है, ये सेट टू है, और इसमें तमाम तरह के सेंटेंस भी करो, प्रिंट करो, पर ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सेट टू है, हाउ लवली यू लुक इन दिस साड़ी। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, हाउ लवली यू लुक इन दिस साड़ी, तो ये पता लग जाएगा बच्चों आपको, ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। अब इसमें भी आपने ध्यान रखना है, सब चीज़ें अभी इसमें एक साथ होंगे आपकी, हाउ व्हाट, ठीक है, इन शब्दों का आप जब नरेशन चेंज करोगे तो उनका इस्तेमाल नहीं होता है। हाउ लवली का होता है वेरी लवली, व्हाट नॉनसेंस का होता है एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेम विथ वंडर, आश्चर्य हो रहा है इतने तुम कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में, एक्सक्लेम विथ वंडर टू हर, कंसेप्शन ऑफ दैट लगेगा, ठीक है, आपका यू आपका वो लड़की शी हो जाएगी, दैट शी लुक्ड वेरी लवली। आप समझ आ गया हाउ कहाँ चला गया, हाउ चला गया वेरी में, वेरी इन दैट, दिस का दैट हो जाएगा, इन दैट सारी हो गया, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये आप चूंकि आप लिखा है कि हाउ लवली ऐसे बोल रहे हो, तो इसमें आश्चर्य भी है और आपका विस्मय बोधन भी है, तो आपने लगा दी एक्सक्लेम विद वंडर टू हर दैट शी लुक्ड। अब लुक्ड क्यों किया हमने, इसलिए किया है क्योंकि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट टेंस में, तो लुक का लुक्ड हो जाएगा, काम खत्म हो गया। आप सुना है बच्चों, मैं भी आपको हर तरह के सेंटेंस दूंगा, आपने हर सेंटेंस को, हर तरह के सेंटेंस को सीखना है, ठीक है। स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर कैन आई गो होम नाउ। अब एक चीज आपने और सीखनी है, जितने भी डायरेक्ट नरेशन में इनको कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, जो इनोड कॉमर्स में होते हैं, इनकी पहचान होती है कि इनके बाद में कॉमा लगा रहता है, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल भी आपने नहीं करना, पिछले वाले वीडियो में आपको कहा था कि जब आप सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें आपने भाव का ध्यान रखना है। भाव समझते हो, भाव का अर्थ होता है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच को किस अंदाज, किस भाव है ना आपका मानसिकता के साथ में कहा गया है। अगर सर किसी बच्चे ने कहा है तो उसने टीचर को रिस्पेक्ट दी है और सवाल पूछा है, तो इसका ये सर गायब हो जाएगा और सर का सेंस रिस्पेक्ट में घुस जाएगा। इसको चीज़ों को समझना आपने, हर जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे कहोगे, द स्टूडेंट आज द टीचर रेस्पेक्टफुली, ये वर्ड लगाना पड़ेगा सर के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो सर गायब हो गया, सर को लगाने, सर आपको इस्तेमाल नहीं करना इनडायरेक्ट में, ठीक है ना। और कंजक्शन आपका इफ होगा क्योंकि वो सवाल कैन से बन रहा है, और ये आई कौन, ही हो गया, इफ यू कुड गो होम देन, नाउ हो जाएगा देन में कन्वर्ट। तो ध्यान से कीजिए, बहुत आसान होता है ये, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में तो और आसान हो जाता है, एक दो चीज़ें देखनी पड़ती है, टिक मारना पड़ता है, क्या टिक मारना, टिक टक 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 ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप कि ये भी सबके समझ आया कि नहीं आया, है ना। मैं सब तरह के समझ दे रहा हूँ आपको, इनको गौर से देखिए आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे वो बाद में, एक एक दो दो सब तरह के आप करना शुरू कर दो आप, ठीक है। द मदर सेड टू हर डॉटर, माई डार्लिंग, बच्चों प्यार से कहते हैं माई डार्लिंग, माई डार्लिंग डॉटर, ऐसे भी लिख दो। सेंस समझना आपने, ध्यान रखना किस सेंस में कहा जा रहा है, ये प्यार से कहा जा रहा है। व्हाई डू यू थिंक दैट वी
डू नॉट लव यू, वी लव यू, वी लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट। आर कह रहे हैं इसको, हस्बैंड वाइफ की दोनों की बात हो गई, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें दो सेंटेंस है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपको मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ सर गायब हो जाएगा, सर का सेंस आपने रेस्पेक्टफुली में डाल दिया, तो माई डार्लिंग डॉटर को कहाँ गायब करोगे आप, और ये सवाल पूछा हुआ है, वॉइस है ना आपका। तो इसमें अगर आप ये कहते हैं कि द मदर लविंगली आस्क्ड हर डॉटर, थोड़ा शब्दों से खेलना भी आना चाहिए। लेकिन आपको फिर कह रहा हूँ, आपका काम तो आसान है, यहाँ तो मैं बना रहे हैं, एग्जाम तो बनाना नहीं है, आपने बना बनाया होगा, चेक ही करना है आपने, और क्या करना है, पता नहीं मेरी बात समझ आएगी नहीं। इसलिए एग्जाम में ये बहुत आसान माने जाते हैं। द मदर आस्क्ड हर डॉटर लविंगली, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आया कि नहीं। आप डॉटर भी आ गया, लविंगली भी आ गया, तो माई डार्लिंग गायब हो गया, ठीक है ना। सवाल है तो हमने आस्क कर रखा है। फिर मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच फैमिली का हो, तो यही डब्ल्यू एच फैमिली का शब्द जो इसमें आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। अभी चूंकि सवाल है, एक चीज मैंने आपको और बताई थी पिछली वीडियो में, कि जो सवाल होता है वो क्लॉज बनता है, और क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। तो डू प्लस थिंक जुड़ जाएंगे आपस में, थिंक हो जाएगा, और थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन किसको कह रहा है, ये कौन है, ये यू कौन है, उसकी बेटी है, तो सी हो जाएगा, वाई शी थॉट। ये समझ आ गया थॉट कहाँ से आया, ठीक है। मैं इसके अलग से आपको दो चार प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। द मदर आस्क्ड हर डॉटर लविंगली वाई शी थॉट दैट, वी का मतलब दे हो जाएगा, हाँ थर्ड पर्सन है ना, दे डिड नॉट लव हर। चूंकि सेंटेंस और है तो थोड़ा ये भी सीखना पड़ेगा, एंड एडेड, इसमें ऐसे करो एंड एडेड, फिर कंजंक्शन दैट लगाना पड़ेगा, वी का दे हो जाएगा, दे लव्ड हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। इनको ध्यान से कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया भी था कि ये भले ही आसान हो, लेकिन इसकी जो नॉलेज है वो कई जगह काम आएगी आपके एग्जाम में। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, जो इसमें भी अप्लाई हुआ है अभी, कि जो क्वेश्चन होता है, जो उसको आप सवर्ण जो क्वेश्चन होता है ना, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, तो उसमें सेंटेंस की बनावट सवाल जैसी होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको वाई डिड यू डू इट ऐसे बोला, आपको वाई डिड यू डू इट, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी सिखाया था, समझाया था आपको, आपने किसी को पूछा था ऐसा क्यों किया, उसने जवाब दिया यार मुझे पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया, तो उसने ऐसे जवाब दिया आई डोंट नो। अब क्या आप ऐसे ही बोल दोगे आपका वाई, ठीक है ना, आपका वाई डिड आई डू इट ऐसे बोल दोगे, नहीं आप बोलोगे आई डोंट नो वाई आई डिड इट, ठीक है। आपका सवाल जैसी बनावट होती है, सवाल में क्या होता है, हेल्प मी वर्ब का इन्वर्जन होता है, ये जो हेल्प मी वर्ब है यू से पहले लिखी जाएगी, और जब आप इसका नरेशन चेंज करोगे या क्लॉज बनाओगे, एक ही बात है, एक ही बात है, तो डिड और डू जुड़ जाएंगे और डिड हो जाएगा, आर यू गेटिंग माइंड, और डिड आ जाएगा यू के बाद। और देखो आप, और आपको मैंने कहा भी था कि जो मेन क्लॉज है, बल्कि ये इंग्लिश को ठीक करने का बहुत शानदार तरीका है, ठीक है। आई डोंट नो जो मेन क्लॉज बनता है हमेशा आसान होता है, ही नोज, ही डज नॉट नो, हिज फादर नोज, नोबडी नोज, एवरीबडी नोज, ये ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। आप किसी को मैंने कहा हाउ मच डज ही अर्न, कितना कमाता है, अब आपने जवाब देना है, किसी को नहीं पता कितना कमाता है, तो नोबडी नोज ये तो बोल दोगे आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हाउ मच का ऐसे कैसे आ जाएगा, हाउ उसमें आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन था, ये आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन बन गया आपका। अब ये क्या करोगे आप, कैसे लिख दोगे, नोबडी नोज हाउ मच डज ही अर्न, नहीं, नोबडी नोज हाउ मच ही अर्न्स, अर्न्स कहाँ से आया, तो डज प्लस अर्न जुड़ गए, ठीक है, तो पास में यहाँ आ जाएगा, प्रेजेंट का है, नोबडी नोज हाउ मच ही अर्न्स। अब समझ आया आपका, टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेंटेंस पास टेंस में होता कि हाउ मच डिड ही अर्न इन दिस डील, डिड ही अर्न इन दिस, हाउ मच डिड ही अर्न इन दिस डील, इस डील में सौदे उसने कितना कमाया, अगर आपने ये कहना होता तो आप क्या कहते हैं,
But me job is I don't know. I don't know how much did earn जुड़ जाएंगे earn हो जाएगा वो subject बाद में आ जाएगा. I don't know how much he earned in this deal. Deal means business deal, सौदा. I hope कि मैं आपको समझा पाया. इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ नहीं बहुत जगह काम आएगा. ये तो लोगों को पता नहीं होता तो एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस करेक्शन में भी सेंटेंस करेक्शन नहीं हो पाते. आई डोंट नो क्या ना आपका वट इज इट विषय निकल दो ये बहुत ज़्यादा काम का है. अब ये सवाल थोड़ी है कि आपने इसको उठा के इट के पहले लिख दिया. इसको करेक्ट होगा आई डोंट नो वट इट इज और इसके लिए आपको बोलता रहता हूँ अरे अपना स्पोकन इंग्लिश भी ठीक करो. इसमें कुछ स्पोकन वीडियो भी डालता रहता हूँ ना कि कुछ पता नहीं देखते भी है या नहीं है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ. अपनी तरफ से मैं कोशिश कर ही रहा हूँ सबको समझाने की. ये भी समझाया आया नहीं बच्चा आपका तो ये अपनी चीज़ें ध्यान रखनी है. अब मैं दूसरे टाइप के सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ. ही सेड टू मी मे गॉड कीप यू सेफ. भगवान तुमको सुरक्षित रखें. आजकल तो ये आशीर्वाद बहुत जरूरी है. मे गॉड कीप यू. गॉड के बाद में कीप क्यों आया. सब्जेक्टिव मूड है याद रखना. आप सब्जेक्टिव मूड का वीडियो देखो यार. गॉड आप तो कहोगे गॉड तो सिमिलर है ठीक है ना. बात कह रहा हूँ वैसे लेकिन वैसे मे के बाद में बस की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. और इसको ऐसे भी कहते गॉड कीप यू सेफ. एनी वे तो इसमें क्या किया उसने. तो उसने प्रे किया भगवान से. ही प्रेड टू गॉड. वी प्रेड एंड टोल्ड मी. दैट लगेगा दैट गॉड पास्ट टेंस है मेगा माइट हो जाएगा. गॉड माइट कीप मी सेफ. प्रोनाउन का ध्यान रखो कौन किसको कह रहा है. कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये यू आपका कौन है. आपको कह रहा ना वो तो मी हो गया ही ठीक है ना. किसको सेफ रखना है मुझे सेफ रखना है. उन्होंने इसने प्रे किया है ठीक है. इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना बच्चों कि जिस जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होता है या फ्रेज होता है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना इन डायरेक्ट नरेशन में. वो उसको उसका जो भाव है वो आप डायरेक्ट इसमें. एक मैं और देता हूँ आप. द जनरल सेड टू हिज मैन यू नो माय ब्रेव सोल्जर्स Time has come to defend the motherland. ठीक है ना. अपनी मातृभूमि को बचाने का समय आ गया. ठीक है. अभी जो मैंने इंट्रो लिखा है माई ब्रेव सोल्जर्स ये आपने रिपोर्टेड स्पीच में नहीं डालना. इसका भाव इसमें आ जाएगा. वो आपको सीखना पड़ेगा. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको एग्जाम में आपने बनाना नहीं है. आपने इसको देखना है. तो ऑलरेडी लिखा होगा आपने थोड़ी चेंज करना है. इस एग्जाम में ये फायदा है वो एग्जाम और भी आसान हो गया आप ठीक है ना. और इसमें जनरल ने अपने आदमियों को जोश दिया है. उसके लिए एक वर्ड आपको मैं देता हूँ एग्जॉर्ट करना. किसी को एग्जॉर्ट करने का होता है किसी को जोश देना उनको उत्साहित करना ठीक है. आपको आप कैसे मैं एडजस्ट करता हूँ इसको देखो आपका. द जनरल एग्जॉर्टेड His brave soldiers. देखो आप हो गया ना. तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में तो नहीं आया. ये कहाँ है. रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने डाला है इनडायरेक्ट के अंदर. द जनरल एग्जॉर्टेड हिज ब्रेव सोल्जर्स ठीक है ना आपका. दैट द टाइम हैज का हैड कर दो. सिंपल है. देखो ये टेंस की तरह है कि आप जो टेंस में चेंज करते हो सेंटेंसेस को तो उसी तरह से इसमें भी है. अगर मेन क्लॉज आपका पास में है तो हैज हैव हैड हो जाएगा. विल आपका वुड हो जाएगा. विल शैल ठीक है ना. कैन कुड हो जाएगा. मे माइट हो जाएगा. इज आर एम वाज वर हो जाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी. कितना आसान है. द जनरल एग्जॉर्टेड हिज ब्रेव मैन ब्रेव सोल्जर्स दैट द टाइम हैड कम टू डिफेंड द मदरलैंड. मातृभूमि को बचाने का समय आ गया. तो आई होप कि आपको समझ आया बच्चों ठीक है.
इस पे आधारित ठीक है ना एक एक्सरसाइज करेंगे, नरेशन की भी करेंगे, इसकी भी करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ शायद इस वीडियो के तुरंत बाद में आपको इसका मैं दे दूँ, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। अभी इसकी एक्सरसाइज कराऊँगा मैं आपको, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ठीक है ना आपका। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।